हेलो फ्रेंड्स, अशोक IT3 में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दोस्तों अशोक। आज हम आपको बताएंगे आपके बाइक के चालान के बारे में। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप हेलमेट भूल जाते हैं या कोई भी रीजन से आपका चालान फ्रेंड्स कट गया है, तो आप तो सोचते हैं कि इसको कैसे चेक करें, कैसे नहीं चेक करें। फ्रेंड्स, इसकी पूरी हम आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आप चेक कर सकते हैं, घर बैठे ही चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर फ्रेंड्स ओपन करिएगा। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर्च करिएगा ई चालान। ई चालान लिख के सर्च पे क्लिक करिएगा। फ्रेंड, जैसे ही सर्च होके आएगा, सबसे ऊपर में एक वेबसाइट आपकी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो फ्रेंड्स, ये आपको वेबसाइट ओपन करनी है, इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा पेज आएगा। फ्रेंड्स, तो ये फोन मोड पे अगर आप यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो आप अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप डेस्कटॉप साइट पे आप इसको क्लिक करके फ्रेंड्स तब यूज करिए। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर ये जो एरो का निशान है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। आपके फोन में थ्री डॉट का आइकन हो सकता है आ रहा हो फ्रेंड्स, तो आप उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे देखेगा लिखा है डेस्कटॉप साइट, तो आप इस पे फ्रेंड्स क्लिक करिएगा। तो आपका जो फोन के फंक्शन है, जो आपका आइकन है, ये बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे हो जाएगा क्रोम के अंदर का आपका। तो फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा जूम करिएगा जिससे कि आपको क्लियर शो हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, चालान नंबर और व्हीकल नंबर और डीएल नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स तीन ऑप्शन से आप अपना चालान चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चालान नंबर तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि आप अपने फोन से तुरंत के तुरंत चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास व्हीकल नंबर होगा, तो व्हीकल नंबर पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल्स में शो कर रहा है कि आपको व्हीकल नंबर देना है, उसके बाद दो डिटेल्स में से एक डिटेल्स और देनी है, जैसे कि आपका चेसिस नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास इंजन नंबर होना चाहिए। इसमें से दो इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होने चाहिए, तभी आप फ्रेंड्स आप इसको चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस माध्यम से तो चेक कर पाना फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ व्हीकल नंबर से आप अपना चेक करना चाहते हैं फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। अपना प्ले स्टोर ओपन करिएगा। तो फ्रेंड्स, अपने प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड करिएगा, सर्च करिएगा RTO। RTO जैसे डालेंगे आपके नीचे लिख के आ जाएगा RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐप। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ऊपर ये आपका ये ऐप शो हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन पे क्लिक करिएगा फ्रेंड्स। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपका ओपन होगा और इस टाइप का लोडिंग का जैसे आइकन आएगा। उसके बाद आपसे फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंग्लिश फिलहाल अभी चूज कर लिए हैं, और आप अगर कोई अन्य भाषा जानते हैं तो आप जो जिस भाषा में आपको कंफर्ट लगे वो आप चूज कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सिटी का नाम फ्रेंड्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपने सिटी का नाम एंटर करिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लखनऊ यहाँ पे एंटर करेंगे तो लिख के आ गया फ्रेंड्स लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप इसको चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसमें देखिएगा चौथे ऑप्शन पे आपका ऑप्शन है चालान का। तो चालान वाले ऑप्शन पे फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, बाई RC, बाई DL, बाई चालान। तो फ्रेंड्स, इन तीन इन्फॉर्मेशन में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन से आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बाई RC के हिसाब से, यानी कि आपका जो गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर अगर यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके चालान की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम कोई भी ऐसा गाड़ी नंबर डाल देते हैं जिसका अभी चालान नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ी नंबर डालने के बाद आप सर्च पे क्लिक करिएगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे लिख के आएगा कंग्रेचुलेशंस, नो चालान डिटेल्स फाउंड अगेंस्ट द सर्चड RC नंबर। ये है आपका और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपके गाड़ी नंबर पे कोई भी चालान नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अब हम आपको दूसरा गाड़ी नंबर डाल के आपको दिखाएंगे जब चालान होता है तो किस टाइप का लिख के आता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरी गाड़ी नंबर एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। चालान नंबर तो आपका सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसके नीचे आपका है अमाउंट, यानी कितने रुपये का चालान हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका चालान जो हुआ है 1000 रुपये का हुआ है। चालान डेट है आपका 5 मार्च 2023। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चालान स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि चालान हो चुका है और अभी इसका पेमेंट नहीं किया गया है फ्रेंड्स। और यही इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स है जो कि आपको इसको और डिटेल्स से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन फ्रेंड्स मिल जाएगा चालान प्रिंट। तो दोस्तों, चालान प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप परमिशन दे दीजिएगा अलाउ का फ्रेंड्स, और प्रोसेस होगा और आपके सामने PDF आ जाएगा शो होके फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी PDF में आ चुकी है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है कि किस रीजन से आपका चालान हुआ है फ्रेंड्स और किस रीजन से नहीं हुआ है। इसकी पूरी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इसी PDF में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आप अपने चालान को पढ़ सकते हैं
तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके फ्रेंड जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।